नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर बात करूँगी। वैसे तो मैं अपनी सभी वीडियो में उस विषय को बताती आई हूँ, जिस विषय पर मैं आज बात करना चाहती हूँ वो विषय है भोजन के साथ हल्का गुनगुना पानी पीने का। तो भोजन के साथ पानी पीना विष है या अमृत, मैं इसी विषय पर आपसे डिस्कशन करूंगी। इसी विषय पर आज मैं टोटल बात करूंगी। अगर हम भोजन के साथ हल्का गुनगुना पानी पीते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं और क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको मैं विस्तार में बताऊंगी। और मैं जो आपको बताऊंगी वो अडॉप्ट करना आपका काम है, वो आपका अपना निर्णय है। मेरा तो हर संभव यह प्रयास रहता है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं, उसमें बहुत अच्छी स्वास्थ्यवर्धक बातें बताऊं, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। छोटी छोटी बातों को रूटीन में अडॉप्ट करके या उन पर अमल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर आप पुराने समय में मुड़ कर देखें तो हमारे पूर्वज जब भी भोजन करते थे या जब भी भोजन करने बैठते थे तो अपने साथ एक लोटा भर के पानी ज़रूर रखते थे। भोजन करते रहते थे, बीच बीच में पानी पीते रहते थे, और जब भोजन समाप्त करते थे तब भी थोड़ा बहुत पानी ज़रूर पीते थे। सब्जी दाल जो भी खाते थे वो पतली बनी होती थी। आम तौर पर एक दाल या एक सब्जी खाते थे और उसके साथ एक प्याज होता था, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर था। वो लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। 80-85 साल तक चश्मा नहीं लगता था, हृदय और गुर्दे की कोई बीमारी नहीं होती थी, दांत हमेशा मजबूत रहते थे। लेकिन आजकल इसके विपरीत, पैदा होते ही तो पीलिया हो जाता है, हृदय में छेद रहता है, पैदाइशी अस्थमा होता है, न जाने क्या क्या परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और युवावस्था तक आते आते तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, साइटिका, भगंदर, फिशर्स, न जाने कौन कौन सी बीमारियाँ घेर लेती हैं। इसके पीछे सारा दोष हमारे लाइफस्टाइल का और हमारे खान पान का है। आजकल जो हम खाना खाते हैं वो पतला खाना नहीं होता, गाढ़ी ग्रेवी का होता है, मिर्च मसालों से बना होता है। फिर भोजन में एक या दो चीज़ नहीं होती, भोजन में कई कई आइटम होते हैं, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, दही, मट्ठा, मीठा, चटनी, पापड़, अचार, ना जाने कितने सारे आइटम होते हैं, लेकिन पानी का कहीं स्थान नहीं होता। और पानी पीते भी हैं तो भोजन करने के 1-1.5 घंटे बाद पीते हैं, जो बहुत गलत होता है। उस वक्त हमारा भोजन अधूरा सा डाइजेस्ट हो चुका होता है, पूर्णता की ओर होता है। उस वक्त जब हम पानी पी लेते हैं तो डाइजेशन ख़राब होने लगता है, पेट में भारीपन महसूस होता है। जब भोजन के साथ पानी नहीं पीते तो लीवर को भोजन पचाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर ये काम 1 या 2 दिन का हो तो लीवर झेल सकता है, लेकिन ये काम दिन में 2 बार या 3 बार रहता है तो लीवर बेचारा कब तक सहन कर पाएगा, एक ना एक दिन तो बैठ ही जाएगा। जब लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो बाकी सभी ऑर्गन कैसे ठीक से काम करेंगे, खून गाढ़ा होने लगेगा, हृदय और गुर्दों के रोग बढ़ जाएंगे। जब गुर्दे अपना काम ठीक से नहीं कर पाते तो शरीर की गंदगी को ठीक से नहीं छान पाते, और जब शरीर की गंदगी को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाते और गुर्दे खराब होने लगते हैं तो शरीर के अंदर एनीमिया, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब चीज़ों की कमियां होने लग जाती हैं और व्यक्ति अच्छा खाते हुए भी बीमार रहने लगता है। भोजन के साथ पानी पीने के लिए मैं हर वीडियो में बताती हूँ, लेकिन मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैडम ये तो गलत है, भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के 1-1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आज मैंने ये वीडियो बनाने का फ़ैसला इसीलिए लिया है कि मैं आपको विस्तार पूर्वक समझा सकूं कि अगर हम भोजन के साथ पानी नहीं पीते तो हमें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, हमारे घर में, ये बात मैं अपने प्रैक्टिकल के आधार पर बता रही हूँ, कि हमारे घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी भोजन के साथ पानी पीते हैं और किसी को भी डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और सभी स्वस्थ हैं, निरोग हैं। क्योंकि जब हम भोजन के साथ हल्का गर्म पानी पीते हैं तो हमारा भोजन पतला हो करके
पेट में जाता है और लीवर उसको आसानी से डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन जब हम भोजन गाढ़ा ही खाते हैं तो लीवर को पचाने में मेहनत करनी पड़ती है। ये बात सच है कि अगर भोजन के साथ हम पानी पीते हैं तो वो नुकसान होता है, लेकिन वो नुकसान तभी होता है जब हम भोजन के साथ ठंडा पानी पीते हैं। जब हम भोजन के साथ ठंडा पानी पीते हैं तो जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जैसे आग के ऊपर पानी डाल दिया हो तो आग बुझ जाती है, इसी तरह से हमारी जठराग्नि मंद पड़ने लग जाती है। तो मैं तो आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि भोजन के साथ ठंडा पानी ना पी करके हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे लीवर उसको आराम से डाइजेस्ट कर ले और आप स्वस्थ बने रहें। और गुनगुना पानी भोजन को आसानी से पचाता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी मौसम हो, हमें हमेशा भोजन के साथ एक बड़ा गिलास हल्का गुनगुना पानी घूंट घूंट करके भोजन के बीच बीच में पीना चाहिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार एक महीने के लिए चेंज करके तो देखें, एक महीने के लिए हल्का गुनगुना पानी भोजन के साथ पीकर तो देखें आपको कैसा फील होगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और जहाँ तक मैं आपसे कहना चाहूँगी, आपको इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। जो लोग भोजन के साथ ठंडा पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठंडी दही और लस्सी का प्रयोग करते हैं, वो अपने लिए बीमारियों को आमंत्रण देते हैं। एकदम तो बीमारी नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे बीमारियां आने लग जाती हैं। उस समय उनको ये ज्ञान नहीं रहता कि ये बीमारियां क्यों आई हैं। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी का ज़रूर लाभ उठाएंगे और अपने को स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।